जो हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ बद्री झा, गरीब दीवाना, और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यार आज ऐसे भी अपन के लाइफ में तीन चार प्रॉब्लम क्रिएट हो रखा है, और आज एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो गया भाई। हम लोग इधर काम करने के लिए अपने गांव से तीन लोग आए थे, उसमें एक भाई जो है कि गांव चला गया। अभी इधर एक बच्चा है, पीछे आप लोग देख रहे हैं, तो अभी ये बेटा है। इसके साथ में हम लोग अभी इधर काम के लिए हम लोग आए हैं। इधर देखिएगा पीछे, इसी में काम चल रहा है। और जो कॉन्ट्रैक्टर है इस घर का, जो अभी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्टर लिया है, उन्होंने हम लोगों के साथ में अभी बहुत बुरा करा है। और आपको दिखाते हैं, ये छोटा सा एक ये घर दिख रहा है, इधर हम लोग का खाना बनता है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा सा किचन रूम आपको जाके दिखाता हूँ, उसके बाद प्रॉब्लम क्या है ये चीज़ मैं बताऊँगा। तो भाई लोग, ये हम लोग का इधर जो है कि मेस है, इधर खाना बनता था, इसमें अभी लॉक लगा हुआ है। अंदर बर्तन बर्तन कढ़ाई ये सब पूरा अभी पड़ा हुआ है। और अभी हम लोग के पास चावल भी नहीं है, सब्जी भी नहीं है, चार दिन से हम लोग ऐसे ही है। और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मालिक से जो है कि पैसा लेके गांव चला गया, और फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। एक चचा है उधर काम कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये इसी घर का काम से हम लोग आए थे, एक महीना हो रहा है। और खुशी की बात तो हम लोग के लिए है कि ये जो घर आप लोग देख रहे हैं, ये बच्चा खड़ा है, इसी के अंदर हम लोग अभी यहीं पर रह रहे हैं। और ये जो घर है, एक हमारे झारखंड पुलिस के जवान है उसका घर है, ये घर है, और इसी में जो है कि हम लोग रह रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इधर ये बिस्तर से पड़ा हुआ है, और हम लोग इसी में रह करके जो है कि काम अभी कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, इधर मैं रहता हूँ, ये सामान सब पूरा पड़ा हुआ है। और जो कॉन्ट्रैक्टर था वो, उसका आपको बता दे, रांची में तीन चार साइट चलता है, और सब साइट से जो है कि पैसा उठा के चला गया गांव। और उन्होंने एक ट्रैक्टर लिया, और हमें तो बता रहा था, जा रहा था घर उस समय, कि बैटरी वाला स्कूटी लेना है, उसको ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और हम लोग को जो है कि किसी को 2,000 तो किसी को 1,000 ऐसे पेमेंट करके वो चला गया, बोला कि मैं कल आ रहा हूँ। फिर अगले दिन बोला मैं कल आ रहा हूँ। तो ऐसे ही करते करते अभी 5-6 दिन हो गया, और चार दिन से जो है कि जितने भी वर्कर हैं यहाँ पर सभी कोई भूखे हैं, और अभी क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। पैसा तो थोड़ा बहुत है, अभी हम लोग खाने के लिए जाएंगे होटल, और हम लोग का जो है कि काम भी नहीं हो रहा है, बारिश हो रहा है। और उसे में क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है चला गया घर, और अभी जहाँ पे हम लोग हैं यहाँ से भी मालिक यहाँ से पैसा उठा के चला गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो आएगा तो भाई, इधर एक सड़िया है, उसका पछुआ में घुसेड़ के ना मुंह में निकाल लो, ऐसा लग रहा है। लेकिन करें तो क्या करें भाई, ये इधर आपको दिखा रहे हैं, ये सड़िया है ना, इसी से उसका पछुआ में डाल के मुंह तरफ निकाले जैसा लग रहा है। और एक वर्कर उन्होंने खुद लेके लाया था कुछ दिन पहले, और हम लोग के ऊपर विश्वास ना करके उसके ऊपर हम विश्वास करके जो भी है जो खर्चा उर्चा दिया, उसके बाद में जो है कि वो भी मतवार निकला। और जो खाने पीने का खर्चा था वो भी जो लड़का है वो पी के ख़त्म कर दिया, आज भूखे वो भी घूम रहा है। और जो हम लोग का बनता था, हम लोग को मात्र 2,000 पेमेंट दिया, कभी 3,000 ऐसे करके दिया, और अभी घर निकल के चला गया। तो भाई लोग, यार आप लोग का भी सपोर्ट करते हो फेसबुक पेज में भी, यूट्यूब भी आप लोग काफ़ी प्यार देते हो, तो भाई क्या करें आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी टाइम बहुत कम है, और आज जो है कि यहाँ से हम लोग जितना भी ठेकेदार का सामान है, सेटरिंग सामान है, मैं अभी बात किया हूँ, ट्रैक्टर अभी आने का बात हुआ है, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है कि ट्रैक्टर आएगा कि नहीं, वो लोग क्लियर करेंगे उसके बाद बताएंगे। अगर ये बात क्लियर हो गया, अगर ट्रैक्टर आएगा तो यहाँ से जितना सेटरिंग सामान है मैं उठा रहा हूँ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप लोग बता देना। और अभी पहला चीज़,
हम लोग काम किए, हम लोग का जो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है पैसा वो भी हम लोग को नहीं मिला है, और काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। अभी बारिश का दिन है और अगर किसी का तबीयत खराब हो जाए तो भाई क्या करें हम लोग। हम लोग के पास मात्र किसी के यहाँ 2,000, किसी के यहाँ 1,500 है। अभी उसी से हम लोग का पर डे अपना अपना खाना चल रहा है। तो आप लोग बताइए, जो ठेकेदार है संजय महतो करके है, उसके गांव में पता नहीं वो मंडर साइड का है, कुड़ू उस साइड का है, और उसके साथ क्या किया जाए आप लोग बताइए। ऐसे भी यार पुलिस थाने में तो हमारा रिकॉर्ड है ही, तो भाई ये जो हाथ में लेके रखे हैं ना, आज शायद अगर ज़्यादा अगर हट गया मेरा तो फिर हो सकता है 6-7 साल के बाद मिलेंगे हम लोग, ये भी हो सकता है। तो भाई लोग यार अभी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, और मेन चीज़ है कि अभी यहाँ पे जो है कि हम लोग को भूखे सोना पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। भाई लोग कमेंट करके ज़रूर बताना यार। तो भाई लोग ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हम लोग के साथ कई बार ऐसा हुआ है, और जो कॉन्ट्रैक्टर है बहुत कुटाई हुआ है हम लोग के हाथ से, और कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो है कि काम भी छोड़ चुके हैं, और आज भी सेम मैं वही करने वाला हूँ। यार अपना हक के लिए जब आप आवाज़ उठाओगे तो भाई लोग जिसके सामने आवाज़ उठाओगे उसको बुरा लगता है, हालांकि जिसके लिए मैं काम किया हूँ भाई अपना अपना पेट है, अपना भी परिवार फैमिली है, तो भाई ये सब बहुत गलत है। तो चलिए भाई लोग आप लोग कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और अभी जो भी है जितना भी सामान है कॉन्ट्रैक्टर का पूरा के पूरा अभी यहाँ से मैं मालिक से पता करूँगा कि कौन कौन सा सामान कॉन्ट्रैक्टर का है, टोटली सामान यहाँ से अब मैं उठा के जाऊँ। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो भाई आप लोग को तो पता ही है कि कॉन्ट्रैक्टर का तो मर्डर पक्का होना ही है, अगर वो उल्टा सीधा काम किया तो। ऐसे भी आपको तो पता ही है कि यार जो गलती पहले हुआ वो गलती दोबारा ना हो, इसलिए हम लोग अभी जो है कि अपना परिवार छोड़ के हम लोग इधर काम करते हैं, तो फिर हम लोग का दुख दर्द कोई नहीं समझता है। हम लोग का जो मालिक है बहुत अच्छा है, लेकिन बात ये रहा कि कॉन्ट्रैक्टर जो है कि पैसा लेके वो निकल गया घर, 4 दिन से वो फ़ोन कर रहे हैं, अभी फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। एक चाचा है उसका फ़ोन से हम लोग फ़ोन कर रहे हैं तो बोलता है कभी कुड़ू में कभी लोहरदगा में। तो भाई लोग ये जो संजय महतो करके कॉन्ट्रैक्टर है उसके साथ क्या किया जाए, आप लोग फटाफट से आप कमेंट करें, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि यार बद्री का जेल हो जाएगा, कुछ नहीं सब अपना है, जो कुछ करना है मैं इधर से अभी इस अभी जो ये घर में अभी मालिक आए हुए हैं तो उनका कुछ काम करना है, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और अभी यहाँ थोड़ा बहुत खुश भी हैं कि हम लोग को यहाँ रहने के लिए अच्छा खासा घर मिला है। और तो भाई लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तुरंत में, अभी कुछ हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग चलेंगे। तो चलिए बाय बाय, झारखंडी जवाहर।